हेलो दोस्तों, आज का हिंदू एडिटोरियल पूरी तरह से राजनीतिक टॉपिक पर है। और ये जो है कुछ बिहार में एक हिंसा की घटना हुई है, जहाँ पर कुछ लोग मारे गए हैं गोलीबारी में, यानी कि पुलिस फायरिंग की गई थी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं। उसी पर आज का जो है ये टॉपिक है, और इसका जो हेडलाइन है वो है रॉन्ग शॉट्स। तो रॉन्ग मतलब तो जानते ही हैं गलत, लेकिन शॉट्स का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पर गोलीबारी, ठीक है ना। जो गोली चलाई गई वहाँ पर उसी के बारे में ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ऐसे शॉट का मतलब एक और भी होता है, जिसका मतलब होता है इंजेक्शन लेना, ठीक है ना। आई गॉट अ शॉट ऑफ कोरोना वायरस, जैसे होता है ना। तो मुझे मिला कोरोना वायरस के वैक्सीन, मुझे मिल गया है, ठीक है ना। तो वो भी एक शॉट होता है, ठीक है। तो रॉन्ग शॉट्स यानी कि गलत गोलीबारी। ईसीआई मस्ट टेक मेजर्स टू प्रिवेंट वायलेंस। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उनको उपाय करनी चाहिए या मेजर्स लेनी चाहिए। किस लिए? तो वायलेंस को रोकने के लिए, एंड कीप द इलेक्शन प्रोसेस फेयर। और जो इलेक्शन प्रोसेस है यानी कि मतदान की जो प्रक्रिया है उसको निष्पक्ष रखने के लिए जो है ईसीआई को उपाय करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइव पीपल वर किल्ड ऑन सैटरडे ड्यूरिंग द फोर्थ फेज ऑफ पोल्स इन वेस्ट बंगाल। अब कहा जा रहा है कि पांच लोग जो है वो मारे गए, ठीक है। फाइव पीपल कहा जा रहा है, फाइव पीपल जो है वो मारे गए। कब मारे गए? तो सैटरडे को मारे गए। कैसे, किस समय मारे गए? तो फोर्थ फेज ऑफ पोल्स इन वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में चौथे चरण के जो मतदान चल रही थी उस समय जो है ये पांच लोग मारे गए। वेयर द फर्स्ट थ्री फेजेस वर लार्जली इवेंटलेस। अब वेयर जो है ये वेस्ट बंगाल के लिए आ रहा है, जहां पर जो है वेस्ट बंगाल में पहला तीन चरण जो है वो क्या रहा था, लार्जली, लार्जली मतलब व्यापक रूप से इवेंटलेस रहा। इवेंटलेस का मतलब कोई बड़ी घटनाएं घटी नहीं वहां पर, ठीक है ना। जैसे इस बार की घटना जो घटी वहां पर, तो वहाँ वो जो तीन फेज जो मतलब कि गुजरा वो बिल्कुल या व्यापक रूप से जो है वो इवेंटलेस था। उसमें कोई भी वारदात या कोई भी घटनाएं नहीं हुई थी। वेल वन पर्सन वॉज एलिजेडली किल्ड बाय पोलिटिकल राइवल्स। ये एलिजेडली का मतलब होता है कथित रूप से, यानी कि ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो हालांकि, वेल मतलब हालांकि, एक व्यक्ति जो है वो कथित रूप से मारे गए पॉलिटिकल राइवल्स के द्वारा, यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मतलब कि विरोधी के द्वारा। फोर अदर्स वर किल्ड, चार जो अन्य लोग हैं वो मारे गए। व्हेन सिक्योरिटी पर्सन फायर मोर देन 15 राउंड्स इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स एट कुच बिहार शीतलकुची असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये चार लोग जो मारे गए, चार अन्य लोग जो मारे गए, वो तब हुआ जब सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि सुरक्षा कर्मियों ने फायर किया 15 राउंड्स इन ए स्पैन ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के अंतराल में 15 राउंड फायर किया सिक्योरिटी पर्सनल ने, ठीक है। वो कहाँ पर किया? कुच बिहार के शीतलकुची असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राइट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज कॉन्क्लूडेड। अब कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने निष्कर्ष दिया है, उसने कहा है कि दैट द पुलिस एक्शन वॉज नेसेसरी। ये जो पुलिस एक्शन जो किया गया वो आवश्यक था, एंड टेकन इन सेल्फ डिफेंस। और ये जो ये वाज से ही ये जुड़ गया, ये पुलिस एक्शन जो लिया गया सेल्फ डिफेंस में लिया, आत्मरक्षा में लिया गया था। बट द पॉलिटिकल स्टॉर्म किक्ड अप बाय द एपिसोड कंटिन्यूज टू रेज। लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्टॉर्म हुआ है, एक जो मतलब राजनीतिक तूफान जो खड़ा हुआ है इस एपिसोड के कारण, इस प्रकरण के कारण, किक्ड अप मतलब इसके कारण जो खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो प्रकरण के कारण जो राजनीतिक तूफान आया है वहां पर, वो लगातार अपना पकड़ बनाए हुए, अपना मतलब कि जोर पकड़े हुए है। रेज मतलब होता है कि कोई भी चीज और ज्यादा फैल रहा है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस रेज, वो पॉलिटिकल स्टॉर्म अभी भी बढ़ रहा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज अलेज्ड कॉन्स्पिरेसी बाय द बीजेपी टू स्केयर हर सपोर्टर्स एंड कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। मिस्टर अमित शाह, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर है। तो चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी जो है, उन्होंने आरोप लगाया अलेज्ड, ठीक है ना, कॉन्स्पिरेसी बाय द बीजेपी, बीजेपी के द्वारा साजिश करने की आरोप लगाया है चीफ मिनिस्टर ने, जिससे कि साजिश किया, क्या साजिश किया है बीजेपी के द्वारा, कि उनके सपोर्टर्स को डराने की, ठीक है, उनके सपोर्टर्स यानी कि ममता बनर्जी के जो सपोर्टर्स हैं उनको डराने की बीजेपी की साजिश
ठीक है, उसका आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने, और उन्होंने मांग की है, और ममता बनर्जी ने मांग की है किस चीज की, रेजिग्नेशन ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है ना, यानी कि जो होम मिनिस्टर है हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उनके इस्तीफे की मांग की है। मिस्टर शाह इन टर्न, मिस्टर शाह जो है यानी कि अमित शाह जो है, बदले में इन टर्न हैज सेड, उन्होंने कहा है, द चीफ मिनिस्टर्स कॉल टू घेराव पर्सनल ऑफ द सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लेट टू द फ्रेयर, यानी कि मिस्टर शाह ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर का जो आह्वान किया गया था कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनके कर्मियों को घेराव करने का, ठीक है, उसको घेरने का जो आह्वान किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा, उसके वजह से, लेट टू मतलब उसके कारण जो है फ्लेयर अप हुआ, फ्लेयर अप मतलब हिंसा हुई या दंगा दंगा हुआ, या कह सकते हैं हिंसा कहिए यहाँ पर, फ्लेयर अप, ठीक है। द तृणमूल कांग्रेस हैज अलेज्ड, अब कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि दैट सेंट्रल फोर्सेस आर रेस्ट्रिक्टिंग इट, कि जो केंद्रीय बल है वो उन्हें बाधित कर रही है, एंड हेल्पिंग द बीजेपी इन द कैंपेन, और बीजेपी को मदद कर रही है अब मतलब कि इस चुनाव अभियान में। इट इज अनक्लियर, ये अस्पष्ट नहीं है, वेदर द फोर्स यूज टू कंट्रोल द मूव वॉज प्रोपोर्शनेट एंड द डेथ्स वर अवॉइडेबल, कहा जा रहा है कि ये जो क्लियर नहीं है, ये अनक्लियर है कि क्या वेदर में क्या ये जो बल का जो इस्तेमाल किया गया था मॉब को, भीड़ को नियंत्रित करने का, जो नियंत्रित करने के लिए जो बल का इस्तेमाल किया गया था वो यथोचित था, प्रोपोर्शनेट था, मतलब कि उस अनुपात में था, एंड द डेथ्स वर अवॉइडेबल, और क्या मौतों को टाला जा सकता था, ये क्लियर नहीं है। एल्सवेयर इन द स्टेट, मतलब राज्य में और कहीं, मतलब कि कहीं और, मतलब ये पूरे जो पश्चिम बंगाल के जो राष्ट्र राज्य है उसमें कहीं और जो है, अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एक मतलब कि लोगों का एक समूह जो है, उन्होंने कोशिश किया रोकने की, क्या रोकने की, व्हीकल ऑफ अब बीजेपी एमपी, एक भाजपा की जो सांसद, भाजपा का जो सांसद है उसके वाहन को रोकने का कोशिश किया एक समूह ने, लोगों के एक समूह ने। ऑल दीज आर बैड ऑमेंस, ऑमेंस क्या होता है, साइंस, मतलब ये जो है इसको आप हिंदी में कह सकते हैं शकुन, शगुन, या चिन्ह, या आप कह सकते हैं ये अच्छा, मतलब कि एक मतलब कि एक ये नहीं है, साइन नहीं है, एक मतलब कि एक शकुन, शकुन नहीं कहेंगे, शगुन नहीं है, या ये एक बुरी बात है, ठीक है ना, सिंपल सा आप ये कहेंगे ये एक बुरी बात है, ये सभी चीज़ जो हैं, ये जितने भी हो रहे हैं ये बुरी बात है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ इंटेंशनली कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल बैटल बिटवीन मिस बैनर्जीज तृणमूल एंड द बीजेपी, कहा जा रहा है कि मिस बैनर्जी के जो तृणमूल कांग्रेस है और बीजेपी के बीच चलने वाली जो इंटेंशनली बहुत ही गहन प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक लड़ाई की पृष्ठभूमि में, ठीक है, की पृष्ठभूमि में ये जितने भी टाइप के जो ऑमेंस हैं, जितने भी जो बातें हैं वो बड़ी बुरी बात है, ठीक है ना, तो ऑल दीज आर बैड ऑमेंस, ये जितने भी चीज़ हैं वो सारी बात बुरी है इस पृष्ठभूमि में, कि अभी जो बीजेपी मिस बैनर्जी के तृणमूल और बीजेपी के बीच जो इंटेंशनली मतलब कि बहुत ही गहन रूप से चलने वाली जो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक लड़ाई है उसकी पृष्ठभूमि में ये सारी बातें बुरी हैं। द ईसीआईज रोल इन बंगाल हैज बीन कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय ऑपोजिशन पार्टीज बाय फॉर वेरियस रीजन्स, कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है, जो भूमिका है बंगाल में, ठीक है ना, उस पर सवाल उठाए गए हैं ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कई कारणों से। इट्स एक्सप्लेनेशन, इट्स मतलब ईसीआई, इसके जो इसका जो स्पष्टीकरण है, किस लिए स्पष्टीकरण है, फॉर स्प्रेडिंग द पोल्स ओवर 8 फेजेस ओवर अ मंथ हैज नॉट मिटिगेटेड द कंसर्न दैट इट गेव अनड्यू एडवांटेज टू द बीजेपी, यानी कि इसका जो व्याख्या है या कह सकते हैं स्पष्टीकरण है, किस लिए स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये जो है 1 महीने के अंतराल में 8 चरणों में मतदान करवाने का जो एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने, मतलब कि ईसीआई ने, ठीक है ना, इसने जो है उस कंसर्न, उस चिंता को नहीं कम किया है, मिटिगेट मतलब कम करना, उस चिंता को कम नहीं किया है जो इसने, इसने मतलब इट मतलब ईसीआई ने दिया है
एडवांटेज दिया है, अनड्यू एडवांटेज दिया, अनुचित लाभ दिया है बीजेपी को, तो इस चिंता को इसने कम नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, इट्स प्रैक्टिस, इसकी जो कार्य प्रणाली कह सकते हैं या परिपाटी जो है, ठीक है ना, क्या करने की, रीडिप्लॉइंग। रीडिप्लॉयमेंट क्या होता है, किसी मतलब कर्मी को यानी कि अधिकारी वगैरह को जो है या कोई कर्मचारी है उसको एक जगह से दूसरे जगह में मतलब कि उसको मतलब कि नियुक्त करना, ठीक है ना। तो ये जो नियुक्त करने की जो बात होती है अलग अलग जगहों में, जैसे आप मान लीजिए कि पूर्णिया में हैं और कोई कटिहार में है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उस समय माहौल को देखते हुए मतलब कि जो ऑफिशियल्स हैं उसको मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तबादला कर सकती है। तो इसका जो प्रैक्टिस है रीडिप्लॉय करने की यानी कि पुनर्नियोजन करने की सिविल एंड पुलिस ऑफिसर्स की यानी कि नागरिक और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों की, ये एक टाइम टेस्टेड मेजर्स है यानी कि समय समय पर अपनाया गया ये एक उपाय है ताकि इलेक्शन प्रोसेस को यानी कि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखा जा सके, ठीक है। हाउएवर फिर भी या हालांकि इफ रीडिप्लॉयमेंट, फिर भी ये अगर पुनर्नियोजन जो है यानी कि इधर से उधर तबादला करने की जो ये बातें होती है, ये जो परिपाटी है ये प्रैक्टिस है, उसकी वजह से अगर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैओस होता है यानी कि प्रशासनिक अराजकता फैलती है या फिर पक्षपात होता है, पार्टीजनशिप होता है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये जो है एक चिंता का विषय है। वेल द ईसीआई हैज़ बीन प्रोएक्टिव इन एक्टिंग ऑन चार्जेस ऑफ रिलीजियस अपील्स मेड बाय तृणमूल कांग्रेस इंक्लूडिंग मिस बैनर्जी, सच एलाक्रिटी हैज़ बीन मिसिंग इन इट्स डीलिंग्स विद द बीजेपी। अब कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो ईसीआई जो है वो बड़ा सक्रिय रही है कदम उठाने में, मतलब किसके खिलाफ, उन चार्जेस पर जो है कदम उठाने में बड़ा सक्रिय रही है जिसमें जो है रिलीजियस अपील किया गया है, किया जाता है किसके द्वारा, तृणमूल कांग्रेस इंक्लूडिंग मिस बैनर्जी, यानी कि सुश्री बैनर्जी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा जो धार्मिक अपील की जाती है, एक तरीके से धार्मिक आह्वान किया जाता है, उस आरोप पर मतलब कि ईसीआई जो है वो एक्ट करने में यानी कि कदम उठाने में बड़ा मतलब प्रोएक्टिव रही है यानी कि बड़ा सक्रिय रही है। लेकिन इस प्रकार का जो सक्रियता है वो गायब है, नदारद है इन इट्स डीलिंग्स विद द बीजेपी। जब बीजेपी से डीलिंग्स की बात होती है, जब बीजेपी से व्यवहार की बात होती है ईसीआई की, तो ये जो है अलैक्रिटी बिल्कुल गायब, बिल्कुल नदारद रहा है। बीजेपी लीडर्स हैव मेट ब्रेजन कॉम्युनल अपील्स एंड गॉन स्कॉट फ्री। बीजेपी लीडर्स ने, बीजेपी की जो नेता जो हैं उन्होंने जो है खुल्लम खुल्ला एकदम बिल्कुल निर्लज सांप्रदायिक अपील किए हैं और वे जो हैं गॉन स्कॉट फ्री, और वो साफ साफ बचकर निकल गए हैं। अब देखिए, गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है गो अनपनिश्ड, जिसको कोई सजा नहीं मिलती है, ठीक है ना। ECI advertisements that invoked the sacrifices of security personnel amounted to the commission overstepping its strictly apolitical role. अब देखिए, ECI का जो advertisement में जो है, जिसमें इस्तेमाल किया गया है या जिसमें चर्चा की गई है, mention किया गया है sacrifices of security personnel का, यानी कि सुरक्षा कर्मियों के बलिदान की चर्चा ECI के विज्ञापन में जो किया गया है, ठीक है, उसका मतलब है अमाउंटेड टू, मतलब उसका मतलब है या वो इक्वल टू है, यानी कि उस मतलब वो ठीक वैसा ही है जैसे कि कमीशन जो है अतिक्रमण कर रही है अपने स्ट्रिक्टली अपोलिटिकल रोल। अपोलिटिकल मतलब कि अराजनीतिक जो भूमिका होती है, जो किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो सख्त अराजनीतिक भूमिका है कमीशन की, उसको वो कमीशन जो है ओवर स्टेप कर रही है, मतलब कि अतिक्रमण कर रही है, उस हद को पार कर रही है, ठीक है ना। अमाउंटेड टू का मतलब इक्वल टू या इसका मतलब, ठीक है ना। कहना क्या, ये मतलब है कि ये जो सिक्योरिटी पर्सनल का जो आह्वान किया गया है अपने एडवर्टीजमेंट में ECI के, उसका एकमात्र ये मतलब कि ये निकलता है या कह सकते हैं उसका वो बराबरी है बिल्कुल कमीशन का ओवर स्टेपिंग करना अपने स्ट्रिक्टली अपोलिटिकल रोल को, द पर्सनल रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ स्टेट इलेक्शन। अब कहा जा रहा है कि एक राज्य के चुनाव में
प्राइम मिनिस्टर का जो व्यक्तिगत भूमिका है, ठीक है ना, हैज मेट द टास्क ऑफ द ईसीआई मच मोर डिफिकल्ट. इसने जो है ईसीआई के काम को और ज्यादा कठिन बना दिया है. एंड इट हैज नॉट राइजन अप. और इट मतलब क्या हुआ, ईसीआई, ईसीआई जो है इट हैज नॉट राइजन अप टू द चैलेंज. और इस चुनौती का जो है ईसीआई ने सफलतापूर्वक सामना भी नहीं कर पाया है. यानी कि उसको सफलतापूर्वक इसको मतलब कि आप सामना भी नहीं कर पाए हैं, मतलब उसको आप डील ही नहीं कर पा रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर की जहां बात हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर के रोल जो इलेक्शन में आते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद और वो प्रचार करते हैं, तो उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर के उन सारी बातों को जो है वो जो चैलेंज होता है ईसीआई के समक्ष कि उसमें कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, इन बातों को जो है ये सारे जो चैलेंज होते हैं उसमें ईसीआई जो है वो फेल रही है, ठीक है ना. मिस बैनर्जी मे हैव गॉन ओवर द टॉप. अब देखिए ओवर द टॉप का मतलब होता है एक्सट्रीम चला जाना, ठीक है ना, इन ट्रॉलिंग द ईसीआई टू रीनेम एमसीसी एज मॉडल कोड ऑफ मोदी कोड ऑफ कंडक्ट. ये एमसीसी जो है ये क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसका मतलब होता है आचार संहिता, ठीक है ना. तो मिस बैनर्जी जो है वो शायद मतलब एक्सट्रीमली मतलब कि एक्सट्रीम कदम उठाई होगी या उन्होंने उठाया होगा इन ट्रॉलिंग द ईसीआई, ईसीआई को ट्रॉल करने में. ट्रॉल मतलब एक तरीके से परेशान करना या ट्रबल पैदा करना उसके लिए. टू रीनेम एम सी सी एज मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि मिस बैनर्जी जो है उन्होंने जो है एम सी सी को जो है मतलब फिर से उसका नामकरण किस रूप में करने के लिए कहा है ई सी आई को, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में. और इसके लिए जो है वो अपनी सीमा या अपना जो है वो एक्सट्रीम मतलब कि कदम उठाई होगी मिस बैनर्जी ने. बट इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है एक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो हैज़ क्वेश्चन द ई सी आई इम्पार्शियलिटी कि मतलब कि ई सी आई का जो मतलब निष्पक्षता को पर प्रश्न उठाया है एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ये पहली बार नहीं है. नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ हैड क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ द ई सी आई. नरेंद्र मोदी खुद जो हैं उन्होंने सवाल उठाए थे किसके बारे में, ईसीआई के फेयरनेस के बारे में, मतलब कि ईसीआई का निष्पक्षता के बारे में नरेंद्र मोदी ने खुद जो है उन्होंने सवाल उठाए थे जब वे चीफ मिनिस्टर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे. इट्स रेपुटेशन बिल्ट ओवर डिकेड्स कैप्ट पब्लिक ट्रस्ट इंटैक्ट थ्रू ऑल दिस, यानी कि इसका जो प्रतिष्ठा है जो कि दशकों में बना है, ठीक है ना, यानी कि दशकों में बनने वाला ये इसका जो प्रतिष्ठा है ईसीआई का जो प्रतिष्ठा है इसने पब्लिक ट्रस्ट को यानी कि पब्लिक के सार्वजनिक लोगों का जो विश्वास है सार्वजनिक विश्वास को जो है वो बरकरार रखा है, ठीक है, थ्रू ऑल दिस इन सारे झंझावतों में इन सारे चीज़ों से गुजरते हुए भी इसने जो है पब्लिक ट्रस्ट को इंटैक्ट रखा है. दैट ट्रस्ट वो विश्वास जो है अब क्या हो रहा है उसमें क्षरण हो रही है, उसको खत्म हो रहा है कैसे, थ्रू एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ऑमिशन. एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ऑमिशन का क्या मतलब होता है, एक्ट्स मतलब कार्य और कमीशन एंड ऑमिशन का मतलब होता है, कमीशन मतलब होता है कोई चीज़ करना जो जो कि आपको करना नहीं चाहिए और ऑमिशन का मतलब होता है कि जिसे आपको करना नहीं चाहिए वो आप कर दिए, ठीक है. तो कमीशन एंड ऑमिशन के माध्यम से जो है या के कार्यों के थ्रू या कार्यों के माध्यम से जो है यह ट्रस्ट जो है दिन ब दिन या वो कम होता जा रहा है, वो क्षरण होता जा रहा है. देयर आर फोर मोर फेजेस ऑफ पोलिंग इन बंगाल, मतलब कि चार और चरण जो है मतदान के बंगाल में हैं अभी, ठीक है ना. देयर आर फोर मोर फेजेस और चार चरण हैं पोलिंग के बंगाल में. एंड ईसीआई मस्ट टेक मेजर्स, और ईसीआई को जो है उपाय करना चाहिए या मतलब कि कदम उठाना चाहिए टू प्रिवेंट वायलेंस, वायलेंस को रोकने के लिए. एंड कीप द प्रोसेस फेयर एनेबलिंग फॉर वोटर्स, और वोटर्स के लिए यानी कि जो मतदाता हैं उनके लिए जो है इस प्रोसेस को फेयर निष्पक्ष और सक्षम बनाना चाहिए. तो दोस्तों ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ. आपको कैसा लगा अपना मतलब कि कमेंट जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. शिट.
तकनीकी गड़बड़ी हो गई है।